तो गाइस इस वीडियो में हम लोग वाइट एफएफ के सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वो सेटिंग नहीं, गेम का सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दिल से लगता है भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको रियल वाला वाइट एफएफ का रियल जो भी एचयूडी वो बताने वाला हूँ। कितना फायर बटन साइज रखता है, कितना स्कोप वाला बटन का साइज रखता है, कितना जंप वाला बटन का साइज रखता है, कितना समझ गए भाई, जब आदमी है यार। तो यार देखो, वाइट एफएफ तो एंड्रॉइड प्लेयर है नहीं, वो तो आईफोन पे खेलता है। तो आईफोन वाला सेटिंग एंड्रॉइड में काम आएगा नहीं, तो एंड्रॉइड में सिर्फ आपका एचयूडी काम आने वाला जो कि वाइट एफएफ यूज करता है। तो आप आराम से वो एचयूडी कॉपी कर सकते हो, लेकिन जब तक सेंसिटिविटी सेट नहीं करोगे, क्योंकि आईफोन का सेंसिटिविटी अलग होता है, एंड्रॉइड का अलग होता है, तो तुमको सेट करना ही पड़ेगा। जैसे वाइट एफएफ ने सेट किया अपने वाले को, वैसे तुमको भी सेट करना पड़ेगा। अरे गेम की सेटिंग, वाली सेटिंग नहीं, और तुमको भी मैं सेट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से सेट कर पाओगे। अब ये मत सोचना कि मैं वो वाली सिखाऊंगा, तुमको गेम में जो भी सेटिंग होती है वो सिखाने वाला हूं। एंड्रॉइड में कैसे सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट वाला सेट करोगे जिससे ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। चलो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग पहले देख लेते हैं वाइट एफएफ का एचयूडी कैसा है, मतलब वो किस तरीके से क्या सेटिंग्स कर रहा है अपने एचयूडी में। ठीक है, चलो यार मैं लेके आपको चलता हूं गेम की तरफ। तो यहाँ पे ये फुल क्रेडिट जाता है वाइट एफएफ को, क्योंकि उसका ओरिजिनल वीडियो है, ये उसी ने अपलोड कराया। तो आराम से देख लो कौन सा फायर बटन कहाँ पे रखा गया है। लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज पे सेलेक्ट नहीं किया गया, स्कोप वाले पे सेलेक्ट किया गया। तो ध्यान से देखना दोनों एक जगह पे, तो देख लो आप आराम से कितना साइज बटन का रखा है, और मैं आगे एंड्रॉइड के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आईफोन वाले के लिए, एंड्रॉइड के लिए फायर बटन का साइज थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, एंड बाकी सब सेम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि फायर बटन पे ही डिपेंड करता है आपका हेडशॉट लगेगा कि नहीं और कितने जल्दी हेडशॉट लगेंगे। ठीक है, ड्रैग करते हो तो फायर बटन, अगर छोटा रखते हो तो ज्यादा जल्दी ड्रैग करने पे हेडशॉट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एचयूडी देख लिया, आप चलते हैं सेंसिटिविटी की ओर। तो यार अगर आप आईफोन यूज करते हो गेम खेलने के लिए, तो आपको ये सेंसिटिविटी रख लेना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाइट एफएफ भी यही वाला रखा है, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो और कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं एंड्रॉइड फोन यूजर के लिए। जो भी बंदा एंड्रॉइड फोन यूज करता है गेम खेलने के लिए, उनको कैसा सेटिंग रखना पड़ेगा, मतलब सेंसिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे आप सबको 100 कर देना है, सिंपल सी बात है, 100 कर दो। अगर आपका रैम बहुत ज्यादा है, यानी कि 12 GB 8 GB, तो आपको थोड़ा सा जनरल कम कर देना है, थोड़ा सा बोले तो 95 से 97 तक रख सकते हो, 94 95 97 ऐसा रख सकते हो, लेकिन जनरल आप ज्यादा कर लेना, धीरे धीरे 100 कर ही लेना, जिससे आपका मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कम जनरल रखते हो तो मूवमेंट बहुत खराब होगा, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना ज्यादा रखने का। ठीक है, और रेड डॉट अपने आप से सेट कर लेना, ट्रेनिंग में जाके रेड डॉट जितने पे आपको अच्छा हेडशॉट देखने को मिले उतना रख लेना। ठीक है, अभी आप फायर बटन का साइज आपको दिखा देता हूँ, फायर बटन का साइज कितना रखना है एंड्रॉइड फोन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फायर बटन का साइज बेस्ट माना जाता है आपको 45 से लेके 47 48 तक। ठीक है, यानी कि 50 से नीचे फायर बटन का साइज बहुत जबरदस्त होता है, और आप जितना कम करोगे उतना अच्छा आपके लिए। 47 48 से ऊपर मत ले जाना, 50 से तो ऊपर कतई मत ले जाना, आपका कितना जीबी रैम वाला भी फोन क्यों ना हो। ठीक है, और आपको नीचे के साइड रखना है, ऊपर मत करो, ऊपर करोगे तो ड्रैग नहीं कर पाओगे, नीचे के साइड रखना है, यानी कि यहाँ पे आप रख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, ये जो भी मैंने सेटिंग्स आपको बताया, ये तो इन गेम सेटिंग है, मतलब गेम के अंदर वाला सेटिंग है। अभी हम लोग एक्सटर्नल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, जिससे आपका हेडशॉट और भी ज्यादा अच्छे से लगेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेटिंग में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, टॉक बैक एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, वो वीडियो आधा बन चुका है, मैं आगे अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को। इस वीडियो में उसको इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि टॉकबैक को समझाना कम से कम आपको 6 से 7 मिनट लग ही जाएंगे, तो डबल हो जाता वीडियो, इसलिए ये वीडियो को स्किप करते हैं। और टॉकबैक आपको यूज करना कैसे है और वो वर्क करता है कि नहीं, बहुत सारे प्लेयर आजकल यूज करते हैं उसको, तो वो काम असल में करता है कि नहीं ये भी बता दूंगा, और कैसे कैसे यूज करते हैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसका प्रॉपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आधा बन चुका है, जैसे ही बनता मैं अपलोड कर दूंगा। तो पहला नंबर पे टॉकबैक सेटिंग। ठीक है, सेकंड हम लोग चलते हैं डीपीआई के ऊपर। ठीक है, डीपीआई कितना रखना है। तो यार डीपीआई का सिंपल सा मतलब है, आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा मूवमेंट होगा, लेकिन यार फ्री फायर का क्या फंडा है ना, आपको मूवमेंट दिखेगा, सामने वाले बंदे को मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि यार ये आपने खुद से एक्सटर्नल सेटिंग से करा है। तो इसका फायदा होता है कि नहीं, तो बिल्कुल फायदा होता है। डीपीआई अगर आप यूज करते हो तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपका बनता है। अगर आप जैसे रोटेशन वाला 360 रोटेशन करते हो, तो उसमें जल्दी से फास्ट रोटेशन हो जाएगा अगर आप अच्छा डीपीआई यूज करते हो, तो अपने डिवाइस के लिए परफेक्ट वाला। तो कितना यूज करे है ना, तो यहाँ पे
मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, अगर आपका फोन 4 से 6 GB रैम वाला फोन है तो आपका फोन में हो सके 360 या फिर 380 तक इतना DPI दिया होगा, ठीक है। तो आपको इसको बढ़ा के 390 या फिर 400 तक कर सकते हो, 450 तक मैक्सिमम ले जाओ, 50 से आगे ले जाओगे तो फोन खराब होने का चांस रहता है। तो 450 तक आराम से ले जाओ, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके डिवाइस पे, लेकिन आपके गेम प्ले पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर आपका ऊपर का डिवाइस है, मान लो 8 GB 12 GB, तो आपको DPI की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 10-15 बढ़ा सकते हो डिफॉल्ट से, ठीक है। और ये डेवलपर ऑप्शन में जब आप DPI यूज करने जाओगे तो डेवलपर ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये सेटिंग्स कर लेने हैं, 0.5 पे सेलेक्ट कर देना है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप मैंने सब जो भी आपको एक्सटर्नल सेटिंग था, इंटरनल सेटिंग था, सेंसिटिविटी था, YTFF जैसा कैसे मतलब सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आप अप्लाई करो अपने डिवाइस पे और खेल के देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।